बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, रास्ते पर पानी भर गया है। वाइपर चल रहा है लेकिन वो भी ज़्यादा पानी हटा नहीं पा रहा, क्योंकि जैसे ही साफ करता है इतना ही बहुत सारा पानी वापस से आ जाता है। और यहाँ पर रॉन्ग साइड गाड़ियाँ भी आ रही है, ये कुछ समझते नहीं है लोग यार। बारिश के मौसम में तो थोड़ा घूम के आ जाना चाहिए, क्योंकि देखो दोस्तों ये गाड़ी चल रही है आगे, वो भी बराबर से नहीं दिख रही, और इसके आगे भी एक गाड़ी है मुझे दिख रही है लेकिन आपको शायद नहीं दिख रही होगी। उसकी जो लाइट है उस लाइट से पता चल रहा है कि आगे कोई गाड़ी है। ये देखो यहाँ पर ये बाइक भी रोंग साइड आते हुए, हालांकि ये इंदौर अहमदाबाद एक्सप्रेसवे है लेकिन यहाँ पर लोग ऐसे ही आते रहते हैं। और ये बारिश गजब बाय गजब, देखो ये बारिश, ये मोबाइल में तो थोड़ा बहुत दिख रहा है लेकिन बाहर एकदम मज़ेदार, जैसा सोच रहा था वैसा मिल गया रास्ते में, बारिश ऐसी मिल गई। लेकिन थोड़ा गाड़ी में देखो कितनी चल रही है स्लो, कहाँ पर मोड़ है वो भी नहीं पता चल रहा है। ये यहाँ पर एक मोड़ आया, यहाँ से अंदर जाती है गाड़ी लिमखेड़ा की ओर, और ये सीधा हम जा रहे हैं दाहोद की ओर। बहुत ही ज़्यादा बारिश, बहुत ही, ये देखो पानी, ये RCC रोड है लेकिन कई जगहों पर पानी भी भरा रहता है, और पानी भी यहाँ पर दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा है, इतना सारा पानी भरा हुआ है। हम यहाँ से अपना फॉग लाइट भी चालू कर लेते हैं तो उससे थोड़ा फायदा होगा, मैंने चालू कर लिया है। ये देखो कितना सारा पानी, वो सामने गाड़ी में देखो, वो गाड़ी पानी में ही जा रही है, देखो वो ट्रक देखो पानी में ही जा रहा है। ये भी आप देखना कितना सारे पानी, ये देखो दोस्तों, ये देखो गाड़ी रुक सी जा रही है, आगे चल भी नहीं पा रही, इतना सारा पानी रोड पर पड़ गया है, बहुत सारा पानी, तो बहुत सारा, बहुत हैवी बारिश हो रही है, बहुत ही। गाड़ी चल रही है आगे लेकिन बराबर से दिखाई नहीं दे रहा, ये देखो साइन बोर्ड है, साइन बोर्ड भी नहीं दिखाई दे रहा। बहुत ही ज़्यादा बारिश, अब तो भाई आराम से ही चलेंगे क्योंकि पिछली बार बारिश हुई थी उसमें एक टायर का लॉस हुआ है, दूसरी बार नहीं करना है, इसलिए थोड़ा संभाल के चलेंगे।